बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच आपको राहत भरी खबर बता रहे हैं। बता दें कि बिहार में आने वाले कुछ दिनों में बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी में रेमल चक्रवाती तूफान को लेकर हलचल मचा है। रेमल चक्रवाती तूफान 26 मई को बांग्लादेश और गांगे पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने वाला है। इसका प्रभाव बिहार में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक रेमल तूफान के प्रभाव से बिहार के ज्यादातर जिलों को प्रभावित करेगा, ऐसी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। आज हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे कि वो कौन कौन से बिहार के जिले हैं जहां रेमल चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार के पूर्वोत्तर भाग से चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिलेगा। इसके बाद आने वाले 5 दिनों में इसका असर पूरे बिहार पर छा जाएगा, यानी पूरे बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ आपको नजर आएगा। इससे कई जिलों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है, तो कहीं पर मध्यम और कहीं पर उससे ज्यादा भी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर बिहार में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस कारण से कुछ दिनों तक गर्मी से आप सबको राहत मिल सकती है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 26 मई को कुछ जिलों में छिटपुट स्थान पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है उसके बारे में बता देते हैं। बिहार के पूर्वोत्तर में सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने की संभावना है, थोड़ी बारिश हो सकती है। साथ ही पश्चिमोत्तर बिहार की अगर बात कर लें कि पश्चिमोत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही 26 और 27 मई के बीच पूर्वी बिहार और उत्तर दक्षिण बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में छिटपुट स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तमाम वो जिले हैं जहां पर बारिश होगी। अब 29 से 30 मई के बीच में किन किन जिलों में बारिश होगी वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें भी खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में अधिकतर स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष बिहार में छिटपुट स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इस तरह 28 से 29 मई के बीच बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और सहरसा और मुंगेर, बांका, भागलपुर, ये तमाम जो ऐसे जिले हैं वहां पर भी चेतावनी बारिश की मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि अगले दिन यानी कि 29 से 30 मई के बीच में पूरे बिहार में बादल मंडराए रहेंगे, पूरे बिहार में बादल छाए रहेंगे 29 और 30 तारीख को, और कहीं कहीं पे बारिश भी हो सकती है। और रेमल चक्रवाती तूफान को लेकर के ये पूरा अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि रेमल चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा है, इसलिए इसका असर बिहार में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार बंगाल से सटा हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार आपको बता दें कि ये तूफान शुक्रवार सुबह डिप्रेशन और शाम में दीप डिप्रेशन। अब इसके बारे में भी हम एक बार जान लेते हैं कि क्या है ये डिप्रेशन और दीप डिप्रेशन और कैसे ये बनता है। तो हवा की गति बढ़ने के आधार पर डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनता है, जिसकी वजह से शनिवार को रेमल नामक साइक्लोन बना, जो आज बांग्लादेश के गांगेय पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा, और इसीलिए ओमान ने इस साइक्लोन का नाम रेमल रखा है, क्योंकि ये साइक्लोन कमजोर है और जिस कारण सब या इससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि बंगाल की खाड़ी से बिहार में नमी युक्त पूर्वा हवा का प्रभाव रहेगा, यानी पूर्वा हवा चलने के अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं, जिससे कि तापमान में वृद्धि नहीं होगी, तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो अब बिहार वासियों को राहत मिल सकती है, और जिन जगहों के बारे में हम आपको बता रहे थे उन जगहों पर, उन जिलों में बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के।